जय हिंद, राम राम, नमस्कार। माफ़ करने में बहुत बड़ी शक्ति है जी, मानते हैं ना? और देखिए, दूसरों को क्यों माफ़ करना चाहिए? इसलिए नहीं क्योंकि वो उनके लिए अच्छा है, इसलिए क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा है, वो आपके लिए अच्छा है। माफ़ करने से ना तो हम कभी छोटे होते हैं, उल्टा एक मानसिक शांति हम लोग प्राप्त कर जाते हैं। लेकिन दूसरों को माफ़ करने से पहले हमें खुद को माफ़ करना सीखना पड़ेगा। जो कोई भूल हमसे हुई है, कोई हमने गलती करी है और उसके लिए आज भी हम लोग खुद को ही लताड़ रहे हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। खुद को भी माफ़ कर दीजिए सबसे पहले, और फिर जब हम खुद को माफ़ करेंगे तो हम इस चीज़ को मानते हैं कि हर कोई इंसान है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो दूसरे को भी माफ़ कर दीजिए। भूलिए मत उन्होंने जो किया, उससे सीख हमेशा याद रखिए। हो सकता है दोबारा उन पर कभी भरोसा भी मत करिए, वो भी सही है, लेकिन अपने दिल में ये घाव रखते रहना, उसको छूते रहना, ये केवल हमारे को खुद को नुकसान करेगा। तो माफ़ी कीजिए और आगे बढ़िए। देयर इज़ ग्रेट प्लेजर इन फॉरगिवनेस, सो फॉरगिव पीपल, नॉट बिकॉज दे डिजर्व इट, बिकॉज यू डू। एंड ओ यस, इट्स सैटरडे, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, टेक केयर, बाय बाय।